हेलो एवरीवन, नीट 2023 एमसीसी ऑल इंडिया कोटे का प्रोविजनल रिजल्ट आ जाने के बाद एम्स के किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए सेकेंड राउंड में मिनिमम क्या कट ऑफ गया है, किस रैंक और मार्क्स पर मिनिमम किसी एक एम्स में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है यानी अलॉटमेंट हुआ है कैटेगरी वाइज, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को लास्ट किस रैंक और मार्क्स पर कोई एक एम्स में अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हुआ है एमबीबीएस के कोर्स में, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेटकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेटकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेटकविंग में। गाइस, बात हो रही एम्स की, राउंड वन की जो कट ऑफ हम लोगों ने पब्लिश करी थी रिजल्ट आ जाने के बाद, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि जो कट ऑफ है सेकेंड राउंड का वो एम्स में बहुत नीचे नहीं जाएगा। सो अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें कि मिनिमम किसी एक एम्स में कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स का लास्ट एडमिशन किस रैंक और किस मार्क्स पर राउंड वन और राउंड टू के रिजल्ट आने के बाद एडमिशन या फिर अलॉटमेंट हुआ है और क्या डिफरेंस रहा है, कितना कट ऑफ नीचे गया है, देयर गाइस बैकग्राउंड में अभी आप कंप्लीट डिटेल देख रहे हैं राउंड 2023 के एमसीसी के राउंड वन और राउंड टू के। राउंड वन के जो व्हाइट बैकग्राउंड में है ये कट ऑफ है और राउंड टू की अगर हम बात करें तो जो हल्का सा येलोइश बैकग्राउंड में है ये राउंड टू का है। तमिलनाडु एम्स मदुरई में ईडब्ल्यूएस राउंड वन में 651 पर, सेकेंड राउंड में ये डाउन होके 647 पर 7723 रैंक पर क्लोज हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। झारखंड में ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का लास्ट एडमिशन राउंड वन और राउंड टू में भी ये क्लोज हुआ है 246 पर राउंड टू में, राउंड वन में यह था 248 पर। ओबीसी कैंडिडेट्स राउंड वन में एम्स मदुरई लास्ट अलॉटमेंट 5254 रैंक ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स रिक्वायर्ड था 657, ओबीसी का सेकेंड राउंड में 651 पर क्लोज हुआ है एम्स मदुरई तमिलनाडु में। ओबीसी पीडब्ल्यूडी राउंड वन में 307 था, सेकेंड राउंड में ये कट ऑफ ऊपर चला गया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और एम्स मदुरई में ही लास्ट अलॉटमेंट हुआ है ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का 330 मार्क्स पर, रैंक रिक्वायर्ड था 353,972। ओपन कैंडिडेट्स नो डाउट कि इस बार एम्स का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गया है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि एम्स के कॉलेजेस को लोग प्रिफर कर रहे हैं। ऐसे केस में ओपन कैटेगरी राउंड वन में 661 पर एडमिशन हुआ था एम्स मदुरई में लास्ट अलॉटमेंट 4377 रैंक पर, जबकि सेकेंड राउंड में ये कट ऑफ पहुंच गया है 657 मार्क्स पर, डाउन हुआ है 5201 पर लास्ट अलॉटमेंट ओपन कैंडिडेट्स का। ओपन पीडब्ल्यूडी के केस में सेकेंड राउंड में कट ऑफ ऊपर चली गई है 380 मार्क्स पर, फर्स्ट राउंड पर यह था 331। एससी कैंडिडेट के लिए लास्ट अलॉटमेंट 582 मार्क्स पर एम्स मदुरई में राउंड वन में हुआ था, सेकेंड राउंड में ये डाउन होके आ गया है 575 मार्क्स पर। एससी पीडब्ल्यूडी के केस में 192 सेकेंड राउंड में, एसटी कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें कि एसटी कैंडिडेट का सेकेंड राउंड में क्या था, देन 540 मार्क्स पर राउंड टू में अलॉटमेंट हुआ है, एसटी कैंडिडेट का राउंड वन में जो कट ऑफ था ये 545 था। वहीं पर एसटी पीडब्ल्यूडी के केस में ये कट ऑफ मार्क्स डाउन हुआ है सेकेंड राउंड में 170 मार्क्स पर, जबकि राउंड वन में यह था 211 नंबर। सो अगर हम यहाँ पर कट ऑफ जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें, नो डाउट कि कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज्यादा अंतर सेकेंड राउंड में एम्स के किसी कॉलेज में नहीं आएगा और एम्स मदुरई ही लास्ट अलॉटेड कॉलेज है डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर हम बात करें कि मॉपअप राउंड में क्या रहेगा, देखिए इस मॉपअप राउंड में सीट के ऊपर डिपेंड करेगा, इस बार अपग्रेडेशन का चांस दिया गया है सेकेंड राउंड में ऐसे कैंडिडेट जिनको अलॉटमेंट होता है, थर्ड राउंड में वो सीट को होल्ड करके अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। ऐसे केस में कि जाहिर सी बात है कि जो वर्चुअल वैकेंसी है वो ज्यादा आएगी, जबकि एक्चुअल वैकेंसी यानी जो क्लियर वैकेंसी है किसी भी एम्स के कॉलेजेस में वो बहुत ही कम आएगी, जैसा कि पिछले साल था उस हिसाब से एक्चुअल वैकेंसी यानी क्लियर वैकेंसी कम आएगी। सो इस केस में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये 2-4 मार्क्स का अंतर आ सकता है थर्ड राउंड में, इससे ज्यादा डाउन होने की उम्मीद एम्स के किसी कॉलेज में नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जिनको कि अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं उनको मेटकविंग की ओर से यही सलाह है कि वो जो अपने स्टेट के अपग्रेडेशन है वहां पर ऑप्ट कीजिए, वहां पर आपको बेहतर चांसेस मिलने की उम्मीद होगी। अगर आप आपसे बेहतर अच्छा कॉलेज चाहते हैं जो कि राउंड वन में आपने एडमिशन लिया होगा या फिर अलॉटमेंट हुआ होगा, ऑल इंडिया कोटा से थर्ड राउंड में भी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है एम्स के कॉलेजेस में। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं डिफरेंट स्टेट्स के ऑल इंडिया कोटा में,
कितनी सीट एक्सपेक्टेड होके आएगी सेकेंड राउंड की काउंसिलिंग के बाद, यानी थर्ड राउंड स्टार्ट होने से पहले, और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, वो नेक्स्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मीट कमिंग। थैंक्स अ लॉट।